3 जून है दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है। मॉर्निंग के 10:45 के आसपास का टाइमिंग हो रहा है। हमेशा की तरह बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आप देखोगे तो एक हाई लगाने के बाद लो लगाया, बाद में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो करते हुए बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। सो आज तक अगर आपने प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करी होगी तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी सुबह से क्या है, एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये मेरी जो एनालिसिस है मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करके रखी हुई है दोस्तों। सो वहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला है कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब बुलिश अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे 35,500 की कॉल में बाय करने वाला हूँ दोस्तों। लॉजिक वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार सिर्फ मुझे एंट्री वगैरह ले लेने दो, मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। देखो ये आया हुआ है नीचे, एक अच्छी खासी रेड कैंडल की मुझे एक्चुअल में ज़रूरत है। आप मतलब यकीन नहीं कर रहोगे कि रेड कैंडल पे कोई बाय कैसे करता है, तो दोस्तों मैं थोड़ी देर में आपको वो भी बताने वाला हूँ कि मैं वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहा हूँ। देखो रिजेक्शन तो आ रहा है नीचे से, कैंडल ने अच्छी क्लोजिंग कर दी है और यहाँ पे मैंने कर लिया है बाय। 571.83 के आसपास मुझे माल मिला हुआ है। अभी अगर मैं टारगेट की बातें करूँ तो यहाँ पे हम 586 एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 571.83 प्लस 16.587 588 लगाएंगे हम हमारे सिस्टम में। सो 588 का टारगेट मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, हमारी ऑर्डर चली गई है सिस्टम में, ऑर्डर बुक में हम बाद में देखेंगे। 1100 के आसपास प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट भी किया है दोस्तों उस ट्रेड ने। कल काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर कल वीडियो क्यों नहीं पोस्ट किया आपने, देखो ये डाउन ट्रेंड है। तो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने अपडेट दे दिया था कि मैं कल ऑप्शन सेलिंग करने वाला था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई बाय, मतलब डाउन ट्रेंड है फिर भी मैंने बाय क्यों किया यहाँ पे, तो वो भी आपको मैं समझाता हूँ। देखो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी आपको करने के लिए आना चाहिए। मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने अभी आपके सामने ओपन कर रखा है दोस्तों। और यहाँ पे बारीकी से देखने की कोशिश करना, ये जो जोन है ये 5 मिनट पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। देखो दोस्तों ये था रेसिस्टेंस, बाद में उसने ब्रेकआउट किया, ये एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पे एक बार उसने रेसिस्ट किया था, यहाँ पे रेसिस्ट किया था और यहाँ पे भी उसने रेसिस्टेंस किया था। और अभी देखो ये 1, 2, 3, 4 और 5 कुल 5 बार उसने कोशिश करी थी, आज गैप अप मतलब ब्रेक आउट किया उसने गैप अप के साथ। अभी ये फर्स्ट टाइम नीचे आ रहा है, सो फर्स्ट टाइम ऐसे नीचे थोड़ी ना चला जाएगा, यहाँ पे एक बार तो सपोर्ट की तरह एक्ट 100% करेगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। सो वही लॉजिक मतलब मैंने माइंड में रखते हुए जो रेसिस्टेंस है प्रीवियस रेसिस्टेंस वो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ये माइंड में रख के मैंने ये ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया है। करंटली देखा जाए तो 1600 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है दोस्तों, 580 के आसपास इसका रेट चल रहा है। आपके स्क्रीन पे ये इमेज आ रही है, ये इमेज मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस के साथ ट्रेड लेने से पहले शेयर करके रखी थी। तो अगर आपको मतलब मेरे एनालिसिस फॉलो करने में इंटरेस्ट है, चार्ट के नए नए पैटर्न फॉलो करने में या फिर लर्न करने में कोई इंटरेस्ट है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो दोस्तों। देखो 586-584 के आसपास ये चल रहा है, बहुत ही नज़दीक है हम हमारे टारगेट से। विद इन अन मिनट हमारा टारगेट आई गेस अचीव हो जाना चाहिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार उसने कैंडल्स का वहाँ पे फॉर्मेशन किया है, जिस प्रकार वो जोर से मतलब नीचे आया है सुबह से, काफ़ी सारे लोग बेयरिश रहेंगे और वहाँ पे कवरिंग आनी ही पड़ेगी दोस्तों मार्केट में। तो देखेंगे अभी हमारा टारगेट अचीव होता है या हम गलत साबित होते हैं। देखो दोस्तों वहाँ से एग्जैक्टली सारी कैंडल हमारी एंट्री लेने के बाद हर एक कैंडल ग्रीन फॉर्मेशन में है दोस्तों। 11:48 पे हमने यहाँ 10:48 पे हमने एंट्री ली है ये वाले ग्रीन कैंडल के आसपास कहीं पे। स्टॉप लॉस हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाने वाले। देखो 588 और इसने अपना कर दिया है टारगेट अचीव। कितना सिंपल ट्रेड था दोस्तों, प्लेन एंड सिंपल ट्रेड था ये। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थे वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाले थे, वहाँ पे हमने ट्रेड लिया और 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर 16 पॉइंट की हमने बुकिंग कर ली है दोस्तों। 571.83 पे हमने माल उठाया था, 1,15,000 पकड़ो आप इसको, और मुनाफा हमने 3200 रुपया का किया है डिवाइडेड बाय डिप्लॉयड कैपिटल विच इज़ 1,15,000 × 100।
यहाँ पे 2.5% पकड़ के चलो, आप 2.5% के आसपास का मुनाफा आज के दिन पे ऑप्शन बाइंग करके हमने बुक किया है दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ, यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री करी हुई थी दोस्तों, और टारगेट अगर आप लगाना चाहो तो मैंने तो छोटा ही टारगेट लगाया था, और अगर आपको लगाना है तो ये वाला जो जोन है यहाँ तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़ी आराम से। और ये कुल अपना मतलब पिछली जो कैंडल थी रेड कैंडल, उसके 2-3 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो दोस्तों। मतलब ऐसे आप ट्रेड का प्लान किया कर सकते हो। तो इसी तरह से आज के दिन पे ट्रेड करके ऑप्शन बाइंग करके हमने क्या किया है, मुनाफा बुक किया है करीबन 2.5% का। बहुत ही इजी है दोस्तों प्राइस एक्शन को सीखना। आपके चार्ट पे आपको कोई भी फैंसी इंडिकेटर डिप्लॉय करने की लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप भी कोई इंडिकेटर यूज़ मत करना, क्योंकि इंडिकेटर्स जो भी होते हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं, वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपको प्राइस को पढ़ना अगर आपने सीख लिया तो आप काफ़ी अच्छा काम मतलब स्टॉक मार्केट में कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपके कोई दोस्त हो जो ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं तो उनके साथ आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखना दोस्तों। अभी हम सीधा मिलेंगे सोमवार के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीकेंड एंजॉय करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।